अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ शहजाद और आज का करते हैं जी बी लोग शुरू। मैं हूँ जी अभी घर से बाहर आया हूँ, तो अभी आज हम जा रहे हैं ग्वाल मंडी। तो ग्वाल मंडी से भी आपको बताऊँगा मैंने क्या लेना है। तो आज का इंशाल्लाह ताला मज़े करेंगे और कुछ खाएं पिएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर आज मज़े करेंगे जी। गाइस, ये सुबह सुबह का टाइम है, ये है लोहारी गेट और ये है जी नारकली बिल्कुल सामने। और मैं जा रहा हूँ जी, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी होगी, असल में सुबह सुबह का टाइम है ना, तो 6:30 का टाइम है। अभी मैं जा रहा हूँ जी अपने दोस्त के पास, उसकी शॉप है इधर स्वीट की, और लाल खूह वाले तो नाम सुना होगा ना आपने। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मठियाई वाले का। हाँ जी। अच्छा, तो उनकी यहाँ पे शॉप है, ये आप जब आते हैं ना इधर से। लोहारी के साथ वाली जो रोड है, बाजार है जो अंदर की तरफ आता है, कीमो वाला बाजार भी कहते हैं इसको। आप इस तरफ से आते हैं ना, तो यहाँ से फिर आप ये सारी पंसारियों की दुकानें हैं, ये वाली सारी पंसारियों की दुकानें हैं। यहाँ से आपने आना है इस तरफ जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी शॉप। अच्छा, ये इसका नाम है जी बाबा हबीब चौक। यहाँ से अब जब आप आते हैं ना इस तरफ, तो यहाँ पे है जी, इसको ना कहते हैं जी बच्चों वाले, और यहाँ पे जी उसकी शॉप है जी। गाइस, ये हम आ गए हैं जी उस जगह पे जो मैंने आपसे बात की थी। ये मेरे दोस्त हैं, काफ़ी पुराना इनके साथ मेरा तल्लुकात है, कम से कम कोई 18-20 साल पुराना। यहाँ पे हमारा पुराना घर होता था इधर, तो फिर हम इनके पास आते थे, और ये इनकी शॉप है जी, कम से कम 40-45 साल पुरानी शॉप है। तो इनका लाल खून वाले, और इनके वाले साहब का जो नाम है मोहम्मद सदीक था, और वो इस दुनिया में नहीं है। ये भाई हैं जी, हाई साहब हैं जी, हाई साहब शहजाद, शहजाद नाम है जी इनका। ये इनकी है जी, ये देखें जी, कीमे वाली टिक्की है जी, उसके बाद ये हलवा है मज़ेदार, ताज़ा ताज़ा, अभी 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 तैयार हुआ है। उसके बाद ये है जी बाजी है, वो चने हैं। तो उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे सारी तैयारी करते हैं, मटन कचौड़ी है जी यहाँ पे। तो आप आए, ये बाबा हबीब चौक है और ये पुरानी शॉप है, यहाँ पे हर इनको जानते हैं, हर जो यहाँ पे रहने वाले हैं ना वो इनको जानते हैं। तो इनका ना इसके साथ स्वीट का भी काम है, ठीक है जी, स्वीट भी है इनकी, स्वीट भी चलती है। तो आप जब भी आएँ इनके पास, ये इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा मेयार भी है इनका, और इनके पास जो मिठाई है वो सारी लाल खूह वाली है, क्योंकि वो इनके अंकल हैं, ठीक है जी। तो आप इनके पास आएँ, और ये काफ़ी बहुत अच्छे हैं जी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अभी मैं खड़ा हूँ जी अंदर की तरफ, और मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ जी जो हाजी सदीक साहब के बेटे हैं, ठीक है जी। ये छोटे बेटे हैं उनके, और एक इनके बड़े हैं, वो अभी तक आए नहीं, उनका नाम हाजी रूफा। और ये हैं जी हाई साहब। तो हाई साहब, कितनी देर हो गई ये शॉप में तुम आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी 45 साल हो गए हैं, जो हमारे वालद साहब ने शुरू किया था। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काड़े हैं। ये देसी घी का हलवा बनाते हैं,
और मटन कचौड़ी बनाते हैं, चिकन कचौड़ी बनाते हैं। रेट जो है वो बहुत ही कम है। हाँ जी, और आप ये वीडियो देख के जब आएंगे तो आपसे खुशी ऐड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये अपने बहुत प्यारे हैं। तो मेरा तो इनके साथ कम 20-22 साल से तल्लुकात है, और ये इनके वालिद साहब जो है ना हाजी मोहम्मद सदीक, उन्होंने शुरू किया था। तो मैं आपको उनकी तस्वीर भी इसके आएगी ऊपर, तो आप देखना और आप आएँ, ट्राई करें, देखें, चेक करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सामने कस्टमर आ रही है, इनसे पूछिए। और वो इंशाल्लाह ताला वो कस्टमर भी खा रहे हैं इधर। ये असल में यहाँ पे मैं आप किसी से बात कराने की मैं आपको क्या करवाऊँ, क्योंकि ये इतना पुराना है कि यहाँ पर हर बंदा इन जगह को जानता है। तो आप इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आएँ। और सर तुहानू जायका कैसा लगता है इन्हों का, कितनी देर तो खा रहे हो तुसी? 30-40 साल हो। हाँ जी, इनको भी 30-40 साल हो गए हैं। ये देखें जी, बुजुर्ग हो गए हैं ये भी भाई। हलवा हाँ शुरू से खा रहे हैं जी, अब तो सब यहाँ के ज्यादातर बूढ़े हो गए हैं। तो आप आए इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अच्छा जायका लगेगा, तो आप इंशाल्लाह ताला विजिट करना। अच्छा, ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, ये आता है जी शालमी से, इसको ना घाटी कहते हैं। उधर से भी जब आप आएंगे ना इस तरफ, यहाँ पे आएगा जी बाबा हबीब चौक, ये ठीक है। और इसके साथ ही है जी ये रफीक स्वीट वाले जो है ना, वो इनके अंकल हैं। लाल खूह वाले जो मशहूर हैं, ये भी उनकी है, ठीक है जी। और ये आप आएँ और यहाँ पे आके टेस्ट भी करें, और हम तो करते रहते हैं टेस्ट, अभी घर भी लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब जब भी इधर घर में होता हूँ ज़्यादा तो नहीं मैं आता तो मैं कम, ओवर टाइम कम लगता है। तो आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इनकी स्वीट भी सारी वही है, लाल खूह वाली है, ठीक है जी। तो आप इंशाल्लाह ताला आएँ आप और देखें, ठीक है। ये छोटा बच्चा है, ये कह रहा है जी मेरी भी पिक्चर लेके आए। इसको हो गए हैं जी पूड़ी बनाते हुए 30 साल। अच्छा, हमको सिखा रहा है इस छोटे बच्चे को। अच्छा, और ये वाला भाई है ना, ये काफ़ी पुराना है यहाँ, तो ये काफ़ी देर से ना ये वाला काम कर रहा है। ये देखें आप, कुछ 8-10 साल से तो मैं जानता हूँ इसको, और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो अभी जी ये हाई साहब जो शहजाद हैं, हाई साहब इनके बेटे हैं, ये साहब भाभी हैं, ये छोटा भाई है, और इसका नाम है अहमद नाम है ना जी आपका, ये भी शॉप पे होता है। तो आप जब भी आएँ, यहाँ हाई साहब होंगे तो यहाँ अहमद होगा, ठीक है जी। और ये आप कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी है, पहले इनके वालिद साहब थे, उनके बाद ये हाई साहब थे, उनके बाद अब ये है, ठीक है जी। और ये हमारे सामने छोटा सा था, अब कितना बड़ा हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आप आएँ और मज़े करें, तो आपके तो पूड़ा भी खाएं और हलवा भी खाएं और हमें भी याद करें। ठीक गाइस, आज आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है? तो आज मैं अपने दोस्त के पास गया था, तो आज मैंने हलवा पूड़ी भी खाई है उधर, और काफ़ी मज़ा आया है। तो आप भी अगर लाहौर में रहते हैं तो मेरे दोस्त के पास अंदरून शहर ज़रूर जाएं, और उनका बहुत अच्छा जायका है और बहुत पुरानी शॉप है, ठीक है, तो आप जाएँ। तो उसके बाद हम गए थे ग्वाल मंडी, ग्वाल मंडी से मैंने लिया है गिम्बल, तो आप देखें, वो भी आपने वीडियो देखी है। तो आज आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे ये होता है कि आपको मेरी पुरानी और नई वीडियो मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में नई जगह पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।